दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट आया हुआ है। वो बोल रहा कि आज से कुछ महीने पहले, आज से शायद 2 साल पहले, एक बार एक एक दिन में 3-3 बार हस्तमैथुन करता था, बड़ा अच्छा होता था। एक दिन हस्तमैथुन कड़ापन नहीं आया। उस दिन के बाद से कड़ापन भी घट गया, इच्छा भी घट गई और शीघ्र पतन होने लगा। फिर मेरे पास आया कुछ दिन पहले, उसको दवा लिखा, कड़ापन 95% ठीक हो गया। लेकिन बोलता है अभी भी इच्छा नहीं होती है। पहले क्या होता, जहाँ लड़की सोता था फर्स्ट खड़ा हो जाता था, अब नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा? मैंने बोला बेटा, तेरे मन में घुस गया है कि ये मेरा लिंग खराब हो गया। अगर तू लड़की की बात सोचता भी है तो आंखें लड़की सोच रही है, दिमाग पेनिस चक्कर रहा, खड़ा हो रहा कि खड़ा नहीं हो रहा। पहले कहता था हाय लड़की लड़की लड़की, पहले पूरा दिमाग लड़की पे, लिंग कड़ा हो रहा कड़ा नहीं हो रहा, पूरा है कम है चिंता नहीं था। अगर लिंग टाइट टाइट 50% था तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सहलाया फुल हो गया। अब क्या होता है, जहाँ तुमने देखा लड़की सोच रही लिंग टाइट आधा है, कुछ ख़राब हो गया है, तुम डर जाते हो। पहले तुम डरते नहीं थे, तो पूरा खेल किसका है? डर का। क्या बोला मैंने? बिना शुगर, बिना ब्लड प्रेशर, बिना हैवी स्मोकिंग, बिना एक्सीडेंट पेनिस खराब नहीं होता है। समझे?